देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर आज सुबह 5:30 बजे ट्रक और टवेरा की टक्कर में दुल्हन समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घटना बीनागंज बाईपास की बताई जा रही है। गुना में लोधा समाज के विवाह सम्मेलन के बाद परिवार राजगढ़ के तलेन लौट रहा था। दोनों वाहनों में आमने सामने की टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि टवेरा में करीब 10 लोग सवार थे। मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घायलों को जीप से बाहर निकाला और पुलिस व एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। मृतकों के नाम कैलाश, राम गोपाल, ड्राइवर गजराज सिंह, दुल्हन भूमि एवं काजल निवासी टिकरिया गांव बताए गए। सुबह की घटना है सर, ये सुबह की, ये लोधा समाज का गुना में सम्मेलन था, वहाँ से राजगढ़ में तलेन जिला राजगढ़ में तलेन है, वहाँ पर की बारात थी, वापस से विदा करा के वापस जा रहे थे। ये गुना से वापस जाते समय ब्यावरा तरफ से ट्रक आ रहा था, इनमें दोनों में आमने सामने भिड़ंत हो गई थी, जिसके कारण जो है तवेरा में बैठे 4 लोग मौके पर एक्सपायर हो गए हैं। अब 3 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको गुना के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया है। सर बताया जा रहा है कि जो 4 लोग एक्सपायर हुए उनमें दुल्हन भी शामिल है। हाँ, दुल्हन भी उसमें वो भी एक्सपायर हुई है, जबकि दूल्हा जो है सुरक्षित है, दूल्हा सेफ है। और इतनी भीषण दुर्घटना के बावजूद भी आश्चर्य की बात यह है कि दूल्हा को कहीं कोई चोट नहीं लगी है। ये गंभीर घटना हुई है और ये संभवतः ऐसा लगता है कि ड्राइवर झपकी आ गई है या नींद में होने की वजह से एक्सीडेंट होना प्रतीत होता है। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा सप्ताह के 5वें दिन निकाली गई हेलमेट वाहन रैली। इस वाहन रैली के माध्यम से शहर के लोगों को यह संदेश दिए गए कि हेलमेट पहनने से कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि वाहन चलाते समय सुरक्षा होती है। कई बार देखा गया कि लोग हेलमेट होते हुए भी हेलमेट का उपयोग नहीं करते। वहीं कुछ लोग केवल इसलिए हेलमेट नहीं लगाते क्योंकि स्टाइल खराब हो जाती है, जबकि ज्यादातर दुर्घटना में ये देखा गया है कि मौत के अधिकतर मामलों में सिर पर लगी गहरी चोट से ही सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। हम डीजीएनए परिवार की तरफ से आप सभी से अपील करते हैं कि जब भी अपने घर से वाहन से बाहर निकलें तो हेलमेट सर पर जरूर लगाएं, जिससे आपके घर वालों को ये सुकून रहे कि आप सही सलामत वापस लौट कर आएंगे। हेलो
सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत वाहन बाइक रैली निकाली गई है, जिसके माध्यम से सभी दोपहिया वाहन चालकों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो हेलमेट को पहने। हेलमेट उनके लिए बोझ नहीं है, बल्कि उनके लिए एक सुरक्षा का कवच है, जिसे बोझ न समझकर उसे धारण करें और अपने जीवन की रक्षा करें, ताकि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो घर वालों को, घर वाले कम से कम इस बात से निश्चित रहें कि वो आराम से ही आने, वो आपका बेटा, आपका पति, आपका परिजन जो भी है, वो सुरक्षित घर पहुंच जाएगा। आगामी 29 तारीख को गुना में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ रहे हैं। इसी के चलते आज कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकार वार्ता रखी गई, जहां महामहिम के आने का समय एवं उनके पूरे दिन के कार्यक्रम की योजना बताई गई। वहीं आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति पहले बमोरी जाएंगे, जहां उनका कार्यक्रम 11:30 बजे से है। बमोरी में तेंदुपत्ता श्रमिक सम्मेलन एवं असंगठित श्रमिक सम्मेलन में भाग लेने के बाद महामहिम 1 बजे गुना वापस लौटेंगे। वहीं श्री राष्ट्रपति मिनी स्मार्ट सिटी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कुछ खास मेहमानों के साथ महामहिम की मुलाकात भी होगी। सभी लोग अपना मोबाइल नंबर, एक आईडी कार्ड का कॉपी और एक फोटोग्राफ और एक ईमेल, तो हमारे पास एक तो डेटा रहेगा ऑफिशियली, और उसके बाद हम आगे जब पासेस वगैरह इशू करेंगे तो जिनके पासेस हम पहले लेवल पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं उसका, और अगर आप अधिकृत हैं तो आपके पास एक आईडी कार्ड जारी होती है, तो आईडी कार्ड की कॉपी दे दें, तो इट विल बी अ सेफ रिकॉर्ड हमारे पास। अभी कई लोग रह गए हैं जिनके परिचय पत्र और नियुक्ति पत्र नहीं आया, क्योंकि सूची अपडेट में हमारे लिए कार्यक्रम के बाद सूची अपडेट करनी है। आएगा नियुक्ति पत्र आएगा, वो अधिकृत जानकारी होने के बाद समझ में आया उनकी चैनल से या फिर से सर मार्च जो है मीडिया में कब इशू करेंगे हम सर पहले तो जनवरी में लगा रही है तो सर अभी तक 4 माह हो चुके नई सूची नहीं बन पा रही तो सर कार्यक्रम में तेंदुपत्ता श्रमिक सम्मेलन का कार्यक्रम है, उसके साथ हमारे असंगठित श्रमिकों का जो है सम्मेलन, इन दोनों का कार्यक्रम वहाँ पे लगभग 1.5 घंटे का रहेगा। कुछ हितग्राहियों को मंच से हम वितरण करेंगे और बाकी जो है वहाँ स्टॉल रहेंगे, वहाँ से जितने हितग्राही चयनित किए गए हैं उनका हम वहाँ से वितरण करवाएंगे। तीसरी बार इस प्रोग्राम के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी अपने हेलीकॉप्टर से गुना पहुँचेंगे। गुना में मिनी स्मार्ट सिटी का डिक्लेरेशन हुआ है, उस डिक्लेरेशन का हम या मिनी स्मार्ट सिटी का एक शुभारंभ करेंगे, जिसका कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका द्वारा किया था। उस कार्यक्रम के बाद सर्किट हाउस में लंच रहेगा, लंच के बाद वो क्लोज्ड एक लंच है वहाँ सर्किट हाउस में करेंगे। लंच के बाद नागरिक यहाँ के जो नागरिकों के साथ हैं उनके साथ एक भेंट है, जो एक 100 लोगों की सूची ऑलरेडी जब तक हमने ज्वाइन किया था तब वहाँ से आई है, कुछ और लोगों ने अप्रोच किया है, तो जो भी प्रेजिडेंट ऑफिस स्टेट लेवल पर अप्रोच कर रहे हैं उनके एक सूची कन्फर्म हो के आती है, उन्हीं लोगों को अंदर बुलाया जाएगा, उनके साथ वहाँ उनकी भेंट होगी। उसके बाद जो हनुमान कॉलोनी उसके पास श्री राम स्वरूप जी हैं, उनके ब्रदर हैं, वहाँ पे वो जाएंगे अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, वो थोड़ा रिजर्व कार्यक्रम मिलेगा, और उसके बाद वो शाम में 5 बजे के आसपास यहाँ से रवाना करेंगे। दैट इज द प्रेसिडेंट प्रोग्राम। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है ऑफिसर्स, उनका ये है कि वो 29 तारीख को सुबह 11 बजे के बाद वहाँ से टेक ऑफ करेंगे और यहाँ 11:30 के आसपास लैंड करेंगे। बमोरी में तेंदुपत्ता श्रमिक सम्मेलन और असंगठित श्रमिक सम्मेलन का कार्यक्रम है, बड़े स्तर पे किया जा रहा है। उसके बाद वो वहाँ से गुना शहर आएंगे, गुना शहर में मिनी स्मार्ट सिटी का शुभारंभ होगा, उसके पश्चात उनका लंच रहेगा सर्किट हाउस में, फिर नागरिकों के साथ भेंट का एक छोटा कार्यक्रम है, जो अप्रूव्ड लिस्ट है वो वहाँ से आई है उनके साथ वो भेंट करेंगे, और उसके बाद वो अपने ब्रदर के घर श्री राम स्वरूप जी के घर जाएंगे, और उसके बाद वो यहाँ से गुना से डिपार्ट करेंगे। सर कौन कौन आ रहा है सर अभी तक ऑनटोरेज में? तो ऑनरेबल सी ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल गवर्नर और ऑनरेबल सीएम तीनों के आने की सूचना है, और श्री बबैया जी जो हमारे मिनिस्टर हैं इंचार्ज, वो भी वहाँ पे हैं, उनको मिनिस्टर इन मीटिंग दिख रहे हैं। कितने बजे का समय है सर बमोरी आने? 11:30
सर गुना आने का क्या समय रहेगा? गुना आने का क्या समय? डेढ़ बजे के आसपास वहाँ 12 से लेके 1:15 तक का कार्यक्रम है, उसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 73 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस योजना के अंतर्गत 75 जोड़ों ने अपना पंजीयन कराया था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामूहिक विवाह सम्मेलन आज हनुमान टेकरी मेला प्रांगण में आयोजित किया गया। विवाह सम्मेलन की शुरुआत हनुमान जी महाराज की पूजन अर्चन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस सम्मेलन में 73 जोड़ों ने हिस्सा लिया। सभी जोड़ों को शासन की ओर से सुहाग का सामान व घर गृहस्थी का सामान बर्तन आदि दिए गए। वहीं मौजूद अतिथियों ने उनके सफल वैवाहिक जीवन की कामना की एवं बधाई दी। इस सम्मेलन में एक विधवा महिला का विवाह, साथ ही एक तलाकशुदा का विवाह भी कराया गया, साथ ही दो मुस्लिम युवाओं का निकाह भी कराया गया। गुलाबगंज में सीवर लाइन खोदते समय जमीन धंसी, एक मजदूर अंदर फंस गया, जिसे करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुलाबगंज में सीवर लाइन की खुदाई का कार्य चल रहा है, जिसको जेसीबी से खोदा जा रहा है। वहीं मजदूर अंदर से मिट्टी निकाल रहा था, इतने में ही अंदर जमीन धसक गई, जिसके चलते उसके ऊपर मिट्टी का ढेर जमा हो गया। आनन फानन में जेसीबी की मदद से व आसपास के रहवासियों की मदद से मजदूर को बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे जिला चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मजदूर का नाम सूरदास है। काम चल रहा था उसमें लेबर लाइन अंदर कूद रही थी। एक्चुअली में इधर ऊंचाट ज़्यादा उधर नीचाट, तो इस साइड गहराई ज़्यादा खोदने की प्रयास चल रहा था इन लोगों का। ये गहराई खोदते हुए जमीन नीचे से भी धसक गई और ऊपर से भी धसक गई, जिससे एक मजदूर दब गया था। लेकिन सभी लोगों ने प्रयास से, जनता से, बाढ़ वाले और ठेकेदार के जो लेबर थी उनके प्रयास से उसको निकाल लिया। हमारे सामने हुआ था, लेबर वाला जो जेसीबी जो चला रहा था वो पेशाब करने के लिए उतरा और एकदम और लेबर वो जो मट्टी थी वो धसक गई और जो लेबर वाला था नीचे वो नीचे के नीचे ही रह गया। कम से कम 9 या 10 फुट खुदाई हो गई थी। क्या नाम था इसका? सूरदास नाम था। कितने प्रयास कर रहा है, कितने घंटे प्रयास करने पड़ा? कम से कम 2-2.5 घंटे प्रयास चला उसका। दो जेसीबी लगी हुई थी और तीसरी जेसीबी एक लगी हुई थी, साथ में खड़ी हुई थी। क्या हालत है उसकी? उसकी हालत बड़ी नाजुक है, उसके लिए अस्पताल ले गए।
शिक्षा विभाग ने शुरू किया दस्तक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अनुसार घर घर जाकर दस्तक दी जाएगी, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा विहीन न रह जाए। इस कार्यक्रम के अनुसार आज पुरानी छावनी के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों को साथ में लेकर घर घर जाकर दस्तक दी गई। वहीं से आंकड़े भी इकट्ठा किए गए, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए। इसके साथ ही पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल लाया जाए। डांटना तो आपको ही पड़ेगा ना बहू को। नहीं निकला है, एडमिशन ले लिया नवे में, कब जाओगे? अरे पूरे महीने भर का स्कूल लग गया, तू आज जाएगा? आज जाओ और नाम लिखा के आओ। हैं ये हर बच्चे का होगा, आप ये मैडम को दीजिए, आपके पास साल 13 का है, 14 हो गया, ठीक है 5 का हो जाएगा जुलाई में। फरहान का है ना, ठीक है ये फरहान लिखा उसमें रेहान। आज हम स्कूल चले अभियान के अंतर्गत यहाँ पुरानी छावनी स्थित हमारी सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के साथ आसपास के जितने भी पड़ोस की सीमा में लगे हुए हमारे वार्ड हैं, उसमें घर घर दस्तक देने जा रहे हैं। इस दस्तक का उद्देश्य है कि कक्षा एक में प्रवेश योग्य सभी बच्चों को हम अपने स्कूलों में लेकर के आएँ। कक्षा 5 से कक्षा 6 में जो बच्चे जा रहे हैं उनका एडमिशन सुनिश्चित कराएँ। जो बच्चे किसी कारण से प्रवेश नहीं ले पाए, विगत दिवस ऐसा हुआ होगा कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से इस इलाके में कोई ना कोई अपने काम के सिलसिले में परिवार के साथ यहाँ आया होगा और वो स्कूल की खोज कर रहा होगा, अब उसे स्कूल आने की ज़रूरत नहीं, हम सब उसके पास में जा रहे हैं। हमारे सारे इन विद्यालयों के गुणी शिक्षक भी हमारे साथ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन स्कूलों के कैचमेंट एरिया में आने वाला एक भी बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल है, बल्कि 14 साल से भी ऊपर है, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो किसी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम। सर अगर 14 साल का बच्चा है और इसने अभी तक पढ़ाई नहीं की तो उसको अपन कहाँ लेंगे? 14 साल का बच्चा है और उसको यदि उसने पढ़ाई नहीं की तो हम उसको माध्यमिक शाला में कक्षा 8 में उसका नाम लिखेंगे और फिर उसका हम एक फ्री टेस्ट लेंगे। उसने अभी तक उसने क्या सीखा है उसकी हम जांच करेंगे, उसके आधार पर निर्णय करेंगे कि उसकी दक्षता कक्षा 5 तक की है या 6 तक की है या 4 तक की है। और आगामी 2-3 महीनों में जैसे ही स्कूल खुलेंगे विशेष व्यवस्था करके एक्स्ट्रा क्लास लगा करके उसकी न्यूनतम दक्षताओं में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेंगे और जैसे ही वो कक्षा 8 के न्यूनतम लेवल पर आ जाता है उसका नाम कक्षा 8 में रेगुलर चलता है। धाकड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन खिरिया में संपन्न हुआ, कई जोड़े एक सूत्र में बंधे। अखिल भारतीय धाकड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन ग्राम खिरिया धरनादा में संपन्न हुआ, इसमें 38 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समाज को फिजूल खर्ची से बचाने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया जो कल शाम संपन्न हुआ। वहीं सम्मेलन में वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह भी पहुंचे, जहां उन्होंने वरवधु को आशीर्वाद के साथ साथ 20,000 रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की। वहीं मोहन सिंह धाकड़ ने सभी 38 जोड़ों को सहयोग के रूप में एक घड़ी भी प्रदान की। दूल्हा राजा आगे बढ़ते चलिए भैया जी, आशीर्वाद लेने के उपरांत दूल्हा दुल्हन आगे को बढ़ते चले। जय हो गोपाल जी की। आशीर्वाद लेने के उपरांत वर वधु आगे को बढ़ते चले। जो भी शेष रह गए हो वर वधु कृपया जल्दी से जल्दी आते चले। जय हो गोपाल जी की। जय जय हो जाओ, क्या करें भैया, आनंद तो लेने अब हमें, अच्छी बात है। जय हो गोपाल जी।
हमने यही। हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धन्यवाद भैया फोटोग्राफर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे फोटोग्राफर जितने भैया हैं, जितने फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर, उनके लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से कामना करते हैं कि इस ग्राम धरनावत क्रिया में भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा से प्रत्येक वर्ष जो है इसी भांति की तरह सम्मेलन होता रहे। शानदार सम्मेलन के लिए विशेषकर हमारे समाज के सभी युवा साथियों को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतना शानदार यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया है, आप सबको तहे दिल से मैं बधाई करता हूँ, देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा भी था, अभी उदयपुरी में पिछले साल विजयपुर में 80 जोड़ों का सम्मेलन हुआ था, और इस साल अकेले पिछले 5 दिन में ये हमारा तीसरा सम्मेलन है। एक सम्मेलन हुआ था अभी कमलपुरा पाटे रावगढ़ में, आज अभी मैं उदयपुरी गया, वहाँ भी 22 जोड़े थे, और आज हमारे खिरिया गांव में 38 जोड़ों का यहाँ पे आप सबने सम्मेलन किया है, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं जानता हूँ इस सम्मेलन के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सभी हमारे युवा साथी, बुजुर्ग जन, सभी गांव के लोग इसमें कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं, और मैं भी मेरी तरफ से हमारी समिति को 20,000 रुपये देता हूँ, ताकि उस पर जो आपका खर्चा हुआ होगा थोड़ा बहुत उससे कुछ सहायता मिलेगी आपको। और उसके आगे भी अगर ऐसी कोई बात हो जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें विधायक जी का आपको सहयोग चाहिए है, तो जयवर्धन सिंह आपके साथ दिन रात खड़ा है आपकी मदद के लिए, आपकी सहयोग के लिए। और आज विशेषकर मैं हमारी युवा पीढ़ी से यही बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने परंपरा चालू की है सामूहिक विवाह की, आपसे मेरा यही अनुरोध है कि हर साल जो पिछले साल की संख्या थी उस संख्या को और बढ़ाओ और बड़े स्तर पर कराओ, ताकि हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो नए जोड़े हर बार जिनका विवाह कराते हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनकी नई जिंदगी जो हो उसके लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद सदैव सभी जोड़ों पर बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा सपना है। एक बार फिर हमारे खिरिया गांव को और हमारे समाज के सभी भाई बंधु को, बहनों को इस बहुत ही शानदार सम्मेलन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारा सहयोगी मोहसिन खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय धाकड़ समाज के सम्मेलन का हुआ आयोजन, राधोगढ़, बमोरी, बीनागंज, चाचौड़ा क्षेत्र में समाज के सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में ग्राम उदयपुरी थाना विजयपुर में आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। क्षेत्र में ऐसे भव्य सम्मेलनों का आयोजन सामाजिक स्तर पर होता है। ग्राम उदयपुरी में यह सम्मेलन 22 साल के बाद फिर से आयोजित किया गया। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य खर्चीली शादियों से दूर रहना है एवं सामाजिक एकता को बनाए रखना है। वहीं सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह भी पहुंचे, जहां उन्होंने सहयोग राशि के रूप में 20,000 रुपए की राशि प्रदान की। वहीं सम्मेलन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा सम्मेलन में कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं एवं वरवधु को क्या क्या उपहार दिए गए। समस्त ग्रामवासियों एवं समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से और मंच की ओर से मैं सबका अभिनंदन वंदन कर भाई जोड़े हुए हैं। और वरवधु को आपकी तरफ से क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ लहसुन, छेने, चप्पल, साड़ी, सात बर्तन। कितने सालों बाद आपके गांव में सम्मेलन हो रहा है? 22 साल। इससे पहले अध्यक्षता किसने की थी आपके गांव में सम्मेलन की? रमेश
महामहिम के आने की तैयारियां बहुत ही जोरों से चल रही हैं। इसी के चलते छोटी एवं बड़ी गाड़ियों का अधिग्रहण भी यातायात पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वहीं कुछ गाड़ियों का अधिग्रहण तो इस तरह से किया जा रहा है जैसे कि उनका अपहरण किया जा रहा हो। ऐसा एक मामला देखने में आया जब जियो कंपनी में लगी एक गाड़ी में से उसके अधिकारी को उतार कर गाड़ी का अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण से स्कूल बच्चे भी नहीं बच पाई है, उन्हें भी पुलिस ने लाइन हाजिर कर दिया है। सर मैं जियो कंपनी की गाड़ी चला रहा था, वहाँ गाड़ी जा रही थी मेरी, जस्तम चौराहे पे खड़ी करके अचानक गाड़ी पकड़ ली, बोलने लगे कि वो साहब आ रहे हैं, उनके उस दौड़े में गाड़ी लगा रहे हैं। कब से खड़े हो यहाँ पे? यहाँ सुबह से। कुछ खाना वगैरह मिला? कुछ नहीं। राष्ट्रपति जी आ रहे हैं हमारे यहाँ, उनके उनके आने में गाड़ियों की जरूरत पड़ी थी, गाड़ी पकड़ ली। कुछ मानदेय मिलेगा आपको या नहीं? नहीं, जो सरकार देगी वो मिलेगा। क्या नाम है आपका? किशन सिंह। डीजी आना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।